हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑन मैक टॉक। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, और हम बात करेंगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ें, रीजन क्या है भाई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का, और आज हम जानेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की हिस्ट्री रही या फिर इसका जो स्कोप है वो है क्या। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है साइंस ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि कहीं पे भी अगर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे अगर आप साइंस की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड फ्लो की, जहां कहीं भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पे आप बात कर रहे होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फॉर एग्जांपल, आप घर में बैठे हैं, आपकी लाइट है, वो लाइट कहां से आ रही है? हाइड्रोलिक पावर स्टेशन से आ रही है, और वहां क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। टर्बाइन के थ्रू जब फ्लूइड पास होता है तो वो उसके ब्लेड्स को घुमाता है, जिससे आपको अल्टीमेटली जनरेटर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अगर आप घर में बैठे हैं, घर से कहीं बाहर जाते हैं, सपोज आप ऑटोमोबाइल चलाते हैं, अपना बाहर जाके कार चलाते हैं, तो वहां पे भी जितनी सारी चीजें हैं, जो भी फ्लूइड फ्लो से घिरी हुई चीजें हैं, जैसे कि आप बोलें कि कार का जो शेप है वो एरोडायनेमिक है, आप बात करें कि कार में जो इंजन है, जो कंबशन हो रहा है, वो भी आपका फ्लूइड फ्लो है। उसी के बाद आपने कहा कि भाई आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमोबाइल से, उसके बाद आपने कहा कि मैं जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में भी आप हैं अगर, तो वहां पे भी आपका जो वेंटिलेटर सिस्टम होगा या आप वहां पे ब्लड प्रेशर मीजर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो डिवाइस यूज हो रहा होगा वो भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस होगा। आप फ्लाइट पे जा रहे हैं, आपको एयरप्लेन की जरूरत है, अब एयरप्लेन तो पूरा आपका फ्लूइड से घिरा हुआ है, एयर से। इसी तरीके से आप जाते हैं शिप में जाते हैं, तो आपकी पूरी डे टू डे लाइफ में आप फ्लूइड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली घिरे हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है। अब आप बात करें कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है अप्लाइड मैकेनिक्स की जो कि डील करता है फ्लूइड के साथ, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों के साथ, कब कब? रेस्ट और मोशन दोनों में। अगर रेस्ट में आप बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की तो आप डील करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के साथ, अगर आप बात कर रहे हैं मोशन की तो आप बात कर रहे होते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की बात। यानी कि रेस्ट में जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आप एक अलग ब्रांच सेपरेट कर लेते हैं जिसको आप बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और अगर आप मोशन में पढ़ रहे हैं तो आप बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखें, अगर रेस्ट में हम बात कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिक्स वो होता है जहां पे आपका फ्लूइड स्टैटिक पोजीशन में तो रहेगा, रेस्ट पोजीशन में तो रहेगा। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, इसमें ये पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो बी पॉइंट है, ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, अगर ये कुछ इस तरीके से मूव करता है जिससे कि ए और बी के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ए के लिए जो डिस्टेंस है बी का और बी के लिए जो डिस्टेंस है ए का, वो चेंज हो जाता है, यानी कि किसी तरीके से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं रिलेटिव मोशन के कारण, तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स नहीं है। फ्लूइड स्टैटिक्स तब रहेगा जब ये अपनी किसी एक फिक्स पोजीशन में बने रहेंगे ए और बी दोनों। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसा केस लेता हूं कि मेरे पास ये जो कोई फ्लूइड फ्लो है, ठीक है, ये कोई मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसमें ये जो एलिमेंट है मेरा, ये पूरा एलिमेंट फ्लूइड स्टैटिक कहला सकता है। किस कंडीशन में? अगर ये जो दो पॉइंट हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव ना करें, मोशन ना करें, अगर ऐसा हो रहा है और आपका ये पूरा का पूरा एलिमेंट चल रहा है फ्लूइड में, ठीक है ना, आपका ये पूरा एलिमेंट तो मोशन में है बट इसके जो पार्टिकल हैं, इसके जो पॉइंट हैं, वो फिक्स हैं अपनी पोजीशन में, तब भी आप बात कर रहे होते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। इसी तरीके से मोशन में बात करें तो हमारे पास दो ब्रांच आती है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जहां भी टर्म आता है वहां पर हम मोशन की स्टडी तो कर रहे होते हैं, बट हम वहां पे उस मोशन का जो कॉज होता है उसकी स्टडी कभी भी नहीं करते, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका फ्लूइड है तो फ्लूइड की स्टडी करेंगे मोशन में, और यहाँ पे फोर्स रहता है आपका प्रेशर फोर्स, जिसको आप कंसीडर नहीं करते। उसी के बाद दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में आप वहां पे मोशन की बात करेंगे, साथ ही साथ उसका जो कॉज है, जैसे कि फोर्स कॉज हो सकता है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स होगा, तो आप उसको भी कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था पहले हाइड्रोडायनेमिक्स, उसके बाद एक और सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको हम बोलते थे हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट था ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, और हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट था ये था एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को जब किरचॉफ साइंटिस्ट ने मिलाया तो इसको हमने बोल दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोल दिया? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोला? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम बात करें कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स आया कहां से, तो बेसिकली आया तो ये मैकेनिक्स से ही है, बट मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो तरीके से बॉडी को डिफाइन करता है। अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील कर रहे होते हैं किसी ऐसी रिजिड बॉडी पे लगने वाले फोर्स की, ठीक है ना, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी रिजिड बॉडी पे लगने वाले फोर्स की, ठीक है। और अगर
बात कर रहे होते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की, तो आप मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि पूरा मैकेनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड आप मान सकते हैं, या मैकेनिकल जो मशीन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो दो पार्ट में यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एक तो है हमारा रिजिड बॉडी, दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता है, रिजिड बॉडी में आपका जो पार्टिकल है वो अपनी फिक्स पोजिशन में बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर मेरे पास कोई बॉडी है इस तरीके से और मैंने इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो फोर्स लगाना जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगी। इसमें कोई पॉइंट मान लिया आपने ए और बी हैं, और फोर्स लगाने के बाद अगर इन दो ए बी के पॉइंट्स में, ए बी पॉइंट्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन होता है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉडी आपकी रिजिड बॉडी नहीं होगी। अगर ये फिक्स रहते हैं तो आपकी रिजिड बॉडी होगी, अगर ये मूव करते हैं तो आपकी ये डिफॉर्मेबल बॉडी होगी, ठीक है ना। और डिफॉर्मेबल बॉडी वो होगी जिसमें आप जो चेंज होगा डिस्टेंस का वो किसी टू पॉइंट्स के बीच में कंसीडर करेंगे, नेग्लेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंसीडर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम बात करें दोनों बॉडी के एक साथ एग्जांपल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो रही है, यानी कि इसका जो शेप है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ। तो आपने ये देखा कोई ए पॉइंट, ये देखा कोई बी पॉइंट, पहले ये पॉइंट पास थे, जब आपने इस पे ब्लॉक लटकाया तो वो पॉइंट कुछ दूर चले जाते हैं, इसका मतलब ये डिफॉर्मेबल बॉडी है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने अगर इस ब्लॉक को देखा तो इसमें भी आपने दो पॉइंट मान लिया, आपने कहा कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट पी है, ठीक है, ये पार्टिकल हो सकते हैं या पॉइंट हो सकते हैं। अब इसके बीच में आपने देखा कि यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, फोर्स लगाने से, जब मैंने फोर्स लगाया उससे पहले भी ये पॉइंट एक दूसरे से उतनी ही दूरी पे थे और उसके बाद भी उतनी दूरी पे थे, इसका मतलब कि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। तो ये दोनों एक साथ एग्जांपल देख लिया हमने, स्ट्रिंग आपका डिफॉर्मेबल बॉडी है और जो आपका ब्लॉक है ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। नेक्स्ट बात करें कि भाई रिजिड बॉडी को हम बोलते हैं कि भाई रिजिड बॉडी या तो स्टैटिक कंडीशन में होगी या डायनेमिक होगी, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगी या फिर वो मोशन में होगी। अगर वो रेस्ट में है तो हम बात कर रहे होते हैं मैकेनिक सब्जेक्ट की, अगर वो मोशन कर रही है तो हम बात कर रहे होते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की। इसी तरीके से डिफॉर्मेबल बॉडी को भी आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड और फ्लूइड। और सॉलिड में आ जाते हैं आपके पास स्टैटिक और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में आप बात कर रहे होते हैं सोम की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, और डायनेमिक्स में वाइब्रेशन जैसे सब्जेक्ट की, और फ्लूइड में आप बात कर रहे होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पास डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि स्टैटिक में आपका जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उसमें आपका दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो दोनों में डिफरेंस कैसे करें, मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी कैसे आती है, कई बार ये समझ नहीं आता। तो देखिए अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस को लें अगर हम यहाँ पे, तो अगर आपने मान लिया कि ये आपका फिक्स पोर्शन है कहीं पे और ये आपकी कोई रॉड है, तो अगर आप इस पे कुछ फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा एक कंडीशन को लिया जाता है कि ये स्टेबिलिटी को फॉलो करेगा, यानी कि इसमें एक अजम्पशन हमें हमेशा ऐड करना होता है कि हमारी जो बॉडी रहेगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कि जो आपके पास जो बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडी लेते हैं, तभी तो हम वहां पे स्ट्रेन की स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हम वहां पे स्ट्रेन की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो बॉडी थी उसके कुछ साइज में, शेप में, लेंथ में, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया है, राइट। तो उसी चेंज की हम बात कर रहे होते हैं, और स्ट्रेन अगर कहीं भी किसी भी बॉडी में होता है तभी आपका स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेन अगर नहीं है तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पे पहली बात तो क्लियर ये होती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, और दूसरी बात उसमें हम ये लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो अगर मैं फोर्स एफ एक्स अप्लाई करता हूँ इधर साइड से, तो एफ एक्स सेम अप्लाई करेगा ये फिक्स पोर्शन, राइट, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जो आपका रॉड हो वो कुछ डिफॉर्म हो और आप उस पर स्ट्रेन का कैलकुलेशन करें या स्ट्रेस का कैलकुलेशन करें, राइट। अगर स्ट्रेन होगा तभी आपका स्ट्रेस होगा, अगर स्ट्रेन होगा तभी आपका स्ट्रेस होगा, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात कर रहे होते हैं फ्लूइड की, और फ्लूइड तो डिफॉर्म करता ही है, फ्लूइड की तो ये प्रॉपर्टी है डिफॉर्म करना, बट सॉलिड कई बार हमारे पास रिजिड होता है जैसे कि हमने देखा था मैकेनिक्स में, और कई बार हम उसको डिफॉर्मेबल फॉर्म में जब स्टडी करते हैं तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो हमने पहली वीडियो में वाई पढ़ लिया था कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़े, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको कंक्लूड किया है। पहले आप देख सकते हैं हाईली विजुअल सब्जेक्ट है ये, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस और मॉडलिंग कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं इजीली। दूसरी बात,
इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा एप्लीकेशन है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के, जैसे कि आप बात करें ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो, स्विमिंग पंप्स, फेन्स, टर्बाइंस, एयरप्लेन्स, शिप्स, रिवर्स, विंडमिल्स, पाइप्स, मिसाइल्स, आइसबर्ग, सब में यूज होता है। उसी के बाद हमने कहा कि भाई हमारी जो पूरी लाइफ है वो उसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लूइड से घिरे ही होते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप देखें अर्थ में 75% हमने का वाटर है और 100% पूरा एटमॉस्फेयर आपका एयर से घिरा हुआ है, तो जो साइंस होती है मेटीरियोलॉजी की या फिजिकल ओशियनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी की, तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही आपका मेडिकल स्टडीज कर रहे हैं तो उसमें ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन का आपको पता होना चाहिए। हमने कहा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स यूज हो रहा है, आपका जो एयरक्राफ्ट है, रॉकेट है, उसके लिए, शिप्स और सबमरीन्स के लिए। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वाटर फ्लो से हो रही है, अगर आपका हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। और उसी के बाद आपका कंबशन प्रॉब्लम्स हैं वो भी फ्लूइड मोशन से ही डील की जाती हैं। और यहाँ पे इरीगेशन के लिए फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सब में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ माइंड बॉगलिंग फ्लूइड फ्लोज की। जैसे कि तीन पैरामीटर्स हम यहाँ पे बेसिकली लेंगे साइज के बेस पे, कि फ्लो का साइज कैसा है, फ्लो का स्पीड कैसा है और फ्लो का प्रेशर कैसा है। तो इसके बेस पे हम देखें सबसे पहले फ्लो यानी कि साइज की बात करें, जिसको हम करेक्टरिस्टिक लेंथ भी बोलते हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है, इसको कई बार अगर हमारे पास फ्लैट प्लेट है तो हम वहां पे इसको लेंथ ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर डाया का पाइप है तो वहां पे हम डाया ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप डाया ले सकते हैं। अगर आप देखें तो नैनो स्केल जो डिवाइसेस होते हैं, जो छोटे छोटे हम पाइप्स क्रिएट करते हैं, बहुत छोटे पाइप टाइप के या फिर आप कह सकते हैं होल टाइप्स होते हैं जिससे आप फ्लूइड फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो उनका साइज जो होता है वो होता है 10^-8, ये मीटर में है लेंथ, ठीक है ना, 10^-8 आप डाया ले सकते हैं। इसी तरीके से रेनड्रॉप की बात करें तो उसका डाया 10^-2, और अगर आप और ऊपर जाएं तो काफी ज्यादा ऊपर जाने पे आपको दिखेगा कि 10^8 जो डाया होता है वो किसका है, मीटर में है। ये है हमारा जुपिटर रेड स्पॉट डायमीटर, देख रहे हैं आप, ये हमारी अर्थ है और उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है ये जुपिटर रेड स्पॉट, ठीक है, जुपिटर रेड स्पॉट, तो एक टाइप का टोर्नेडो होता है ये। नेक्स्ट बात करें कि भाई नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो वेलोसिटी का, तो देखिये सबसे कम वेलोसिटी जो है सबसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे कम वेलोसिटी का एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो होता है 10^-8 m/s। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये है हमारा साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका, ये पहले एक दूसरे के साथ रहे होंगे, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक दूसरे से चिपके हुए थे, बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ मोशन हुआ और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10^-8 है, जो कि काफी कम है। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ मोशन हमेशा चल रहा होता है जो कि काफी कम होता है, और वही कारण था जिससे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, जो लैंड के जो पीसेस थे वो अलग अलग हुए, जिससे कि हमारे आज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं। और नेक्स्ट बात करें कि भाई सिरप ऑन पैनकेक, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाती है इसमें, जो हमारा सिरप होता है पैनकेक के ऊपर से, या फिर आप बात करें हनी की, तो उसकी वेलोसिटी 10^-2 m/s है। और बहुत ज्यादा अगर आप हाई चले जाए तो आप देख सकते हैं जो मेटियोर होता है, जो कि कई बार अर्थ के एटमोस्फेयर पे गिरता है, तो उसकी वेलोसिटी होती है 10^4। और बहुत टाइम्स हम सोचते हैं कि भाई जो हमारा है वो स्टार चल रहा है काफी तेजी से, बट वो कोई मेटियोर होता है जो कि कई बार सरफेस से अंदर भी आ जाता है अर्थ के, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो वहीं पे ही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो जो हमारा साउंड प्रेशर है, जो हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो कुछ एक साउंड प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, वो होता है हमारा 10^-6। ये भी एक फ्लूइड फ्लो ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड के आपके फ्लूइड फ्लो हैं। और इसी के बाद अगर आप देखें तो ऑटो टायर है, उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है 10^2। और उसी के बाद आप देखें वाटर जेट कटिंग का, आप वाटर जेट से कटिंग करते हैं तो वहां पे भी फ्लूइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका फ्लूइड फ्लो का एप्लीकेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। तो फाइनली बात करते हैं अब हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर हम देखें, जब हमारे पास फ्लूइड फ्लो के इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, तब भी हम कई सारे फ्लूइड फ्लो के कॉन्सेप्ट जानते थे, हालांकि बुक में कहीं लिखे नहीं थे। जैसे कि अगर आप देखें तो सेलिंग शिप्स में जो ये ओर्स होते हैं, जिसकी मदद से बोट जो है वो आगे फ्लो करती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, वो भी तब थे, और इरिगेशन सिस्टम भी थे हमारे प्रीहिस्टोरिक टाइम में। नेक्स्ट बात करें कुछ साइंटिस्ट की, तो जैसे आर्कमिडीज थे, आर्कमिडीज ने क्या क्या किया फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके, तो इन्होंने फॉर्मुलेट किए कुछ लॉ बॉयंसी को लेके, जो कि इन्हें अप्लाई किए फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडीज में।
उसी के बाद लियोनार्डो डा विंची की बात करें तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी, तो इन्होंने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाया, ठीक है ना, उसका इक्वेशन जो होता है वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो के लिए। और ये एक एक्सलेंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जिनके नोट्स काफी फेमस थे और एक्यूरेट रहते थे। किस किस के ऊपर थे, वेव्स, जेट्स, हाइड्रोलिक जर्म्स, एडी फॉर्मेशन एंड बोथ लो ड्रैग स्ट्रीमलाइन एंड हाई ड्रैग पैराशूट डिजाइन। इसी के बाद बात करें ईलर की, तो लियोनार्ड ईलर जो थे, ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, 200 बुक इनने लिखी थी और कई सारे पेपर पब्लिश किए थे मैथमेटिक्स को लेके। जो हमारा बर्नौलीज़ थ्योरम है वो भी डिराइव किया था। तो इन्होंने मदद करी न्यूटन के कैलकुलस को अप्लाई करके, इन्होंने मदद करी हमारे नॉन विस्कस फ्लो के मोशन को समझने के लिए, ताकि हम विस्कस फ्लो जो कि प्रैक्टिकली में होते हैं उनको कुछ हद तक समझ पाए। उसी के बाद है लुडविक पेंडेटल, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न फील्ड मैकेनिक्स हैं। इन्होंने बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में बताया और इससे रिलेटेड इनोवेटिव एनालिसिस के बारे में बात करी। Thanks for watching this video. I hope you like that.